पूरे हम तो चाहेंगे कि ये सर्वसम्मति से पास हो, लेकिन विपक्ष किस भूमिका में रहेगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि यदि सर्वसम्मति से नहीं भी होगा तो इसको हम पारित कराएंगे और फिर इसको कानून की शक्ल में फैलाएंगे। सर, कौन सी तारीख को उम्मीद है कि यूपी? देखिए, 5 तारीख से जब सत्र शुरू होगा, पहले दिन चूँकि हमारे यहाँ सिटिंग MLA हैं सरबत अंसारी जी, उनका पिछले दिनों निधन हुआ है, मैं अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और पहले दिन हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। 6 तारीख को वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के उपरांत हम लोग तय करते हैं कि किस दिन क्या होना है, लेकिन मोटे तौर पे एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बता रहा हूँ कि हम लोग कोशिश करें, कार्य मंत्रणा समिति में भी हमारा ये सभी से अनुरोध रहेगा कि 6 तारीख को हम इसको उसमें टेबल करेंगे और फिर वही कार्य मंत्रणा समिति यदि चाहेगी तो 7 तारीख को फिर इस पर व्यापक चर्चा हम करेंगे। देखिए, 5 फरवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र आहूत हुआ है और आप जानते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र होने वाला है। मुख्य विषय आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से UCC के लिए हमने बहुत पहले से, यानी सरकार ने बहुत पहले से एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख यानी 2 फरवरी को सरकार को मिल रही है। मैं शुरू से कहता आ रहा था कि जब ये UCC की रिपोर्ट हमें मिलेगी तो जो भी सत्र हमारे सामने होगा उसमें हम व्यापक चर्चा के लिए UCC को लाएंगे। ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ महत्वपूर्ण हमारे लिए है, बल्कि उत्तराखंड शायद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो UCC के लिए सत्र में व्यापक चर्चा के बाद उसे लागू भी करेगा। साथ में जो हमारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण का विषय जो हम लास्ट टाइम विधानसभा में लाए थे और उसके लिए प्रवर समिति बनी थी, और प्रवर समिति की मेरी अध्यक्षता में अनेकों बैठकें हुई, मैं उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष विधानसभा को सौंप चुका हूँ और ठीक उसके बाद ये सत्र हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी उसकी चर्चा होनी है। तो ये दो बहुत ही अति महत्वपूर्ण मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये हमारे यहाँ इस सत्र के विधेयक उस पर जिसपे चर्चा होगी। और अभी वैसे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बिजनेस हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी इस बीच में कोई और भी ऐसा विधेयक होगा तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे लिए उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है और हम यही कोशिश कर रहे हैं सरकार यानी कि पक्ष और विपक्ष व्यापक इसकी चर्चा करें ताकि पूरे हम तो चाहेंगे कि ये सर्वसम्मति से पास हो, लेकिन विपक्ष किस भूमिका में रहेगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि यदि सर्वसम्मति से नहीं भी होगा तो इसको हम पारित कराएंगे और फिर इसको कानून की शक्ल में फैलाएंगे। सर, कौन सी तारीख को उम्मीद है कि यूपी के पटल पर रखा जाएगा? देखिए, 5 तारीख से जब सत्र शुरू होगा, पहले दिन चूँकि हमारे यहाँ सिटिंग MLA हैं सरबत अंसारी जी, उनका पिछले दिनों निधन हुआ है, मैं अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और पहले दिन हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। 6 तारीख को वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के उपरांत हम लोग तय करते हैं कि किस दिन क्या होना है, लेकिन मोटे तौर पे एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बता रहा हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कार्य मंत्रणा समिति में भी हमारा ये सभी से अनुरोध रहेगा कि 6 तारीख को हम इसको टेबल करेंगे और फिर वही कार्य मंत्रणा समिति यदि चाहेगी तो 7 तारीख को फिर इस पर व्यापक चर्चा हम करेंगे।